हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ ट्रिक्स एंड टिप्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान आपकी स्किन में और आपकी बॉडी में होने वाली जो स्ट्रेच मार्क है उनको आप कैसे रिमूव कर सकती हैं, कैसे इनसे जल्द से छुटकारा पा सकती हैं और किस तरीके से इन्हें होने से आप रोक सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आमतौर पर अगर आपका वजन बढ़ जाता है अधिक या फिर आपका वजन बहुत कम हो जाता है तो क्या होता है कि नेचुरली आपकी बॉडी पे या स्किन पे स्ट्रेच मार्क हो जाते हैं। बट गर्भावस्था के दौरान क्योंकि आपकी बॉडी बहुत ज्यादा शेप ले लेती है, बहुत आपका स्किन फैलने लगता है, तो इस वजह से भी आपकी बॉडी में काफी स्ट्रेच मार्क आ जाते हैं या आपकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में आ जाते हैं, जैसे कि आपकी बेली पे आ जाते हैं, आपकी बैक में आ जाते हैं, आपके थाइज में आ जाते हैं और आपकी ब्रेस्ट और आपके आर्म्स में भी इस टाइप के स्ट्रेच मार्क पड़ जाते हैं। तो गर्भावस्था के दौरान इन स्ट्रेच मार्क को प्रिवेंट करने के लिए या रोकने के लिए आप शुरुआत से ही कोई ट्रीटमेंट ले तो बेहतर होगा। तो आज मैं आपको टिप्स देने वाली हूँ कि किस तरीके से आप इन स्ट्रेच मार्क को रोक सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल अगर आप यूज करती हैं तो ये बहुत ही इफेक्टिव होता है आपके स्किन के लिए, आपकी बॉडी के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो कोकोनट ऑयल होता है वो कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है और ये एक नेचुरल एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल के रूप में भी काम करता है और ये स्किन के लिए एक्सीलेंट मॉइस्चराइजर का काम करता है। तो जिन लोगों की स्किन काफी ड्राई होती है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। तो दोस्तों, वैसे तो केमिस्ट की शॉप में आपको स्ट्रेच मार्क की काफी क्रीम मिल जाएंगी, बट अगर आप चाहती हैं कि आप घरेलू टिप्स की मदद बिना पैसा खर्च किए घर पर ही इसका इलाज करें तो मैं आज आपको कुछ टिप्स देने वाली। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी कंसीव करते ही कई महिलाओं का जो वजन है या जो उनका शरीर है वो अचानक से फूलने लग जाता है, बट कुछ लेडीज का जो वजन बढ़ना वो चौथे और पांचवें महीने से स्टार्ट होता है, यानी कि उनका जो बैली होता है वो भी चौथे पांचवें महीने से फूलने लग जाता है। तो आपको क्या करना है कि आपको शुरुआती महीनों से ही स्ट्रेच मार्क दूर भगाने के लिए कोकोनट ऑयल को यूज करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो किस तरीके से और कितना आपको ये यूज करना है ये सब बातें मैं आपको बताऊं, बट इससे पहले एक जानकारी दे दूं कि अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं या पहली बार मेरे चैनल पर है तो प्लीज वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन को हिट करिए, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, साथ में बेल आइकन के बटन को हिट करना बिल्कुल ना भूलिए ताकि आप मेरी आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान आपकी स्किन का ड्राई होना लाजमी है, तो इसलिए आप दिन में 2 से 3 बार आप अपने स्किन पे कोकोनट ऑयल को रब करिए, जहां जहां आपको लगता है कि आपकी फैट बढ़ रहा है, यानी कि बैली में हो गया, बैक में हो गया, थाइज में हो गया, आर्म्स में हो गया और ब्रेस्ट में। तो दिन भर में आप इस तरीके से आप कोकोनट ऑयल को यूज करेंगी और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप कोकोनट ऑयल के साथ मॉइस्चराइजर मिलाकर आप इसको यूज कर सकती हैं। कोकोनट ऑयल को गर्भावस्था के दौरान यूज करना काफी सेफ माना जाता है और आपके गर्भ में पल रहे शिशु के लिए भी इससे कोई नुकसान नहीं होता है। तो अगर आप इस तरीके से कोकोनट ऑयल को यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि शिशु के जन्म के बाद आपके जो स्ट्रेच मार्क हैं वो काफी कम रहते हैं, यानी कि बहुत कम ही स्ट्रेच मार्क आपको दिखाई देंगे या फिर ना के बराबर। इसके साथ ही आप एक काम और कर सकती हैं कि आप जब नहाने का जो पानी है उसमें कुछ बूंदे नारियल तेल की डालिए और फिर देखिए कि प्रेगनेंसी के कारण जो रूखी हुई त्वचा आपकी है वो किस तरीके से चमक जाएगी और आप स्ट्रेस फ्री महसूस करेंगी। इसके साथ ही कई बार होता क्या कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको नींद बहुत कम आती है जो कि एक आम बात है, तो नींद आने के चलते क्या होता है कि आपके चेहरे पर आंखों के नीचे डार्क सर्कल होने लग जाते हैं। नारियल तेल की कुछ बूंदे कॉटन में लेकर आप इसको अपनी आंखों के चारों तरफ से रब कर सकती हैं, इससे आपके डार्क सर्कल नहीं होंगे। तो दोस्तों, ये है कोकोनट ऑयल को प्रेगनेंसी के दौरान यूज करने की कुछ कारगर और वंडरफुल टिप्स। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी।